बहुत ही अच्छी सी वीडियो लाए हैं। मॉरल स्टोरी। ये मॉरल स्टोरी भी है, इसमें थोड़ा सा फन भी है और साथ ही साथ यम यम भी है। ये क्या मतलब हुआ यम यम भी है? तो आप तो जल्दी जाके अभी के अभी हमारी वीडियो देखिए और इससे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और साथ वाली घंटी बजा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा तुम्हें मैं कब से बोल रही हूँ, मेरी तबीयत ना आज ठीक नहीं है। ठीक है, उठ के प्लीज़ मैगी बना ले जा, भाई को भी खिला दे। मैगी मैगी है। अब वैसे तो तुम रोज़ मैगी मैगी करते हो यार, आज मैंने कह दिया तो खा लो, एक दिन क्या हो गया है? मैगी नहीं है। तो बिस्किट खा लो जाओ। जाओ कर लो प्लीज़। और दो बर्गर मंगाते हैं। दीदी देखना जरा कितना टाइम लगेगा ऑर्डर आने में। 25 मिनट्स लगेंगे सिर्फ, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर हम खाएंगे। हमने चार चार से ऑर्डर कर लिया है। हाँ मम्मा, हमने दो बर्गर और एक स्प्रिंगल क्रंची स्प्रिंगल मंगाए हैं। ठीक है बेटे, जो मंगाया खा लो बस। ठीक है, रात को अच्छे से खाना बना दूंगी, मैंने मेडिसिन ले रखी है, अभी सिर दर्द हो रहा है। ना मत करो यार, गलती से बोल दिया बच्चे ने। बेटे बिंदिया नहीं होती है, ठीक है, और उसको बूंदी के लड्डू बोलते हैं, बिंदु के लड्डू नहीं बोलते वैसे। ना 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 करो बेटे। भाजी ओटीपी दस्यो की है? 2639। ओके भाजी, बैठियो 5 मिनट लगने हैं। ठीक। तो ऑर्डर देने जाना, मैं नहीं जल्दी आ सकता, घर बारिश भी हो रही है इतनी, पता नहीं ऑर्डर कैसे लेके जाना है। ऊपर से मेरी बाइक इतना दुखी कर रही है, हर बार खराब हो जा रही है, कस्टमर इस बात को समझता नहीं है। चल तू
करते हैं। बहुत टाइम हो गया यार, ये तो उससे ज्यादा देर हो गई है। मुझे भूख लगी है मम्मा, कुछ भी खाने को दो। हाँ हद्दी हो गई है वैसे तुम्हारी। ठीक है जब बोल दिया कि नहीं उठा जा रहा है तो कुछ भी दो, बना देती हूँ। ठीक है बैठो आराम से, मंगा लो और ऑनलाइन मिल गया तुम्हें। हद हो गई, एक तो ऑनलाइन वाले भी आजकल पता नहीं क्यों लेट होने लगे हैं, 100 बहाने बनाएंगे आके। उठना ही पड़ना है मुझे, इन लोगों ने तो जान तंग ही कर दी मेरी। देख जा रही हूँ, मत सिर खा, रोज टाइम पे मिलता है खाना, एक दिन में क्या हो गया है, बना रही हूँ। ये लो बेटे ये चीज़ी रोल बना दिया मैंने। देव जो मिल रहा है ना खा ले चुप करके। ठीक है चलो फिनिश करो। नाना मुझे लगता है तुम्हारा ऑर्डर किया था ना जो खाना आ गया शायद, देख जरा कितना लेट हो गया है, हद हो गई है। भैया ये हमने 1 घंटा पहले ऑर्डर दिया था ठीक है, और आप देखो कितना लेट लेके आए, उस पर 20 मिनट्स का टाइम शो कर रहा था। ठीक है सॉरी का क्या मतलब होता है आपको नहीं समझ में आती है, किसी ने मजबूरी में या किसी वजह से मंगवाया होगा ना, अब क्या फ़ायदा जब हमें चाहिए ही नहीं, फिर घर पे ही खाना बनाना पड़ा तो क्या फ़ायदा हुआ। हाँ आपके पास बहुत बहाने होते हैं, बाइक ख़राब होगी, बारिश होगी। अच्छा आपको रेटिंग की पड़ी हुई है, क्या रेटिंग करूँगी, 1 घंटे से भी ऊपर का टाइम लगा के आए हो, मैं तो आपकी कंप्लेंट कर रही हूँ। ठीक है आप देखना अभी ठीक है, कोई बात नहीं हम देख लेते हैं हमें क्या करना है, एक मिनट मीटिंग नहीं करनी है आपकी, समझ में आ गई। मम्मा यार दोनों कितना भीग के आए हो भैया, इतनी बारिश में मेरे लिए खाना लेके आए हैं, तो कर देना ना रेटिंग। देख लेते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम टाइम पे आया करो। ठीक है बहाने नहीं जरूरी होते हर चीज़ में। आज तो पेट भर गया, और चाशा का बर्गर और स्प्रिंग रोल तो बहुत टेस्टी होते हैं। पर दीदी जब हम चाशा जाते हैं तो स्वाद में चाय मिलती है, उसका तो नाम ही मत लो, बहुत टेस्टी होती है वहाँ की चाय, वहाँ तो सब कुछ ही बहुत टेस्टी होता है। वहाँ का रैप भी बहुत टेस्टी होता है, सब कुछ टेस्टी होता है।
मजा आ गया है ना। तो मेरा पेट फुल हो गया। मेरा भी पेट फुल हो गया। ये थी हमारे गाइस की वीडियो। आज की वीडियो में हमें बहुत ही टेस्टी खाने को मिला और हमें ने इस वीडियो में सिर्फ एक छोटी सी चीज बताने की कोशिश की है कि अगर हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि बाहर या तो बारिश होती है, आंधी चलती है और इतनी गर्मी होती है, धूप होती है, हम बाहर नहीं जाना चाहते, हम घर पे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं जो हमें खाना है। और आजकल तो लॉकडाउन भी है तो कितना रिस्क है कि हम बाहर जाएं कि कुछ खाने को लाएं या वहीं खाएं, तो इसीलिए हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। और जो भी लोग हमारे लिए हमारी मनपसंद चीज़ हमारे पास लाते हैं इतनी गर्मी इतनी धूप ऐसे हालात में भी वो हमारे पास हमारी मनपसंद चीज़ लाते हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर वो गलती से भी कभी लेट हो जाए तो हमें उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं। तो गाइस आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो जो सेल देने आता है आप उसको बहुत सारा थैंक यू दीजिए और बहुत उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, मिसबिहेव नहीं करना क्योंकि वो भी हमारी तरह गलतियां कर सकते हैं। आज की वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे कमेंट में हमें बताते रहिए कि हमें आगे कौन से चैलेंजेस करें या कौन सी वीडियोस बनाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ वाली घंटी